आज हम दांत कैसे ख़राब होते हैं इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि दांत ख़राब कैसे होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा, बहुत थोड़ा हिस्सा, हमारे दांतों के बीच जो जगह होती है वहाँ फंस जाता है, और हमारे मुँह के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं वो उस भोजन को अम्ल में बदल देते हैं। जो जीवाणु हैं वो भोजन को अम्ल में बदल देते हैं और धीरे धीरे दांतों को हानि पहुंचाते हैं। कैसे? जो हमारे दांतों पे जो इनेमल होता है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, एक कठोर पदार्थ कह सकते हो, ये दांतों के ऊपर इसकी कवरिंग होती है, और जो अम्ल होता है वो धीरे धीरे इस कवरिंग को, इस परत को ख़राब करता रहता है, इसको हानि पहुँचाता रहता है। और उसके बाद क्या होता है वो भी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे दांत हैं, जैसे डायग्राम आपकी बुक के अंदर है, इसके अंदर आप देखेंगे तो जो ये यहाँ पर इस जगह पर धीरे धीरे कैविटी बननी शुरू हो गई है। जब हम अपने दांतों पर ध्यान नहीं देते, हम ब्रश नहीं करते, तो धीरे धीरे अम्ल बनता है और अम्ल बनने के कारण कैविटी बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इससे आगे नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैविटी जो थी ये थोड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पर ये देखिए, ये कैविटी थोड़ी ओपन होने लगी है। फिर हम और आगे देखते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहे तो ये अब यहाँ पर ये बिल्कुल खुल गई है कैविटी, बिल्कुल कैविटी बन गई है अच्छे से। और जब लास्ट स्टेज आती है जब, तो देखिए बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कीड़ा लग गया, हमारे दांत इस प्रकार हो जाते हैं और फिर हमें ये जो दांत हैं निकलवाना पड़ता है। तो ये सब इसी कारण है क्योंकि हम दुरुस्त नहीं करते, वो जो दांतों में जो भोजन फंसा रहता है वो अम्ल में बदलता रहता है और फिर वो हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। तो बच्चों, हमें प्रतिदिन कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए ताकि हम अपने दांतों को लंबे समय तक बचाए रख सकें, वो ख़राब ना होने दें। उसके बाद अगला कार्य करता है कौन, हमारा अंग है जो, वो है जीभ। ये मैंने जीभ का एक डायग्राम बनाया है, ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, बस ये पार्ट नहीं दिखा रखे, वो पार्ट मैंने लिख दिए। अब हम जीभ के अगले हिस्से पर आते हैं, जो जीभ का हमारा अगला हिस्सा है यहाँ पर। इस हिस्से में आप देखिए, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर, वैसे बहुत सारी मैंने ऑनलाइन भी देखा था, जो यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होता है, जो जीभ का थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा, वो नमकीन पार्ट दिखा रखा है बहुत सारी बुक्स के उनके अंदर इंटरनेट के ऊपर। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे नमकीन दिखा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो ये भाग है यहाँ पर हमारा जो जीभ का जो भाग है, ये मीठे स्वाद को ग्रहण करता है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू अपनी जो बुक है NCERT उसके अकॉर्डिंग ही मैंने डायग्राम बनाया। तो ये जो भाग होता है ये मीठे स्वाद को ग्रहण करता है। उसके बाद जो आगे, ये थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं यहाँ पर, ये साइड वाला जीभ के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये दोनों भाग हैं ये नमकीन स्वाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो जो ये हिस्सा, ये वाला ठीक है, और ये वाला, ये खट्टे स्वाद को ग्रहण करने में हमारी सहायता करता है। और आप जब भी कोई खट्टा पदार्थ खाओ, मीठा पदार्थ खाओ, तो आप जीभ पर टेस्ट करके देखो भी आपको कहाँ नमकीन स्वाद ग्रहण हो रहा है और कहाँ आपको खट्टा स्वाद ग्रहण हो रहा है। वो जो सबसे पीछे जो मैंने रेड दिखाया है, आप कभी भी नीम की दातुन करके देखना, आपको हमेशा आपके जीभ के जो बिल्कुल मुंह के अंदर जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको कड़वा स्वाद ग्रहण होगा। वो जो मतलब कोई भी चीज़ कड़ी होती है, वो हमें बिल्कुल लास्ट में जाके जब उसको हम निगल रहे हैं तो हमें महसूस होता है वो चीज़ कड़वी है। तो ये हमारे जीभ के अलग अलग भाग हैं जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार का टेस्ट हम ग्रहण करते हैं ये जीभ के द्वारा। अब हम आगे आते हैं भोजन नली पर। ये हमारी भोजन नली है, मुंह के जब मुंह से चलते हैं तो गले से होते हुए और जो वक्ष हुआ वहाँ से होते हुए ये अमाशय तक जाती है। ये हमारा अमाशय है, कम स्टमक बोलते हैं। जो भोजन नली है इसके कई सारे नाम हैं, ये रही भोजन नली, ग्रसिका, फूड पाइप बोल देते हैं, और इसको ईसोफेगस भी बोल देते हैं। आपको जो मर्जी बोलना हो आप बोल सकते हैं, वैसे हमें सबका पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता आपसे। तो भोजन नली होता है वो संकोचन प्रक्रिया द्वारा भोजन को आगे पहुंचाती, आगे
बैक नहीं करती है। बैक का मतलब कब होता है, जब उल्टी आती है। उल्टी, उल्टी को हम क्या बोलते हैं, वमन, उल्टी। जब अमाशय जो होता है, ये जो अमाशय है, अगर ये भोजन को ग्रहण ना करे, स्वीकार ना करे, तो ये वापस प्रेशर से उस भोजन को हमारे मुंह से बाहर निकालता है। और वो किस रूप में निकलता है, वमन के रूप में या उल्टी के रूप में। तो आपको पता चल गया अभी उल्टी क्यों आती है। उसके बाद ये दिखा रखा है भी संकुचन, एक जगह संकुचन हो गया भी, फैल गई, फिर वो क्या होता है, पीछे से प्रेस होता है वो, फिर भोजन आगे फैल, आगे पहुंच जाता है, फिर प्रेस होगा तो भोजन फिर आगे पहुंचेगा। संकुचन प्रक्रिया है। इस तरह भोजन हमारे गले से होता हुआ और अमाशय तक भोजन नली के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने मुखगुहिका का जो पार्ट रह गया था पेंडिंग, वो किया है, और आज हमने भोजन नली के बारे में पढ़ा है। कल हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, और हो सका तो जो सुदांतर उसके बारे में पढ़ेंगे। ये डिपेंड करेगा भी हम, तुम्हारा टॉपिक कितना बड़ा होगा हमारी बुक के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार ही हम अपना अगला करियर आपको देंगे कल। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी काम कर रहे होंगे, धीरे धीरे अपना सारा काम है आपने अपने नोटबुक में बिल्कुल नोट कर चुके होंगे आप, और अपने काम को बिल्कुल अच्छे से करें। कोई भी बात है आपको समझ में ना आ रही हो तो आप ज़रूर पूछ लें, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। भी हम आपके टीचर हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। तो आप ज़रूर अपनी जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास भेजें, उसको हम सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे बच्चे। तो ठीक है, टेक केयर, ध्यान।